नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए ट्रेडमार्क की इंटरेस्टिंग केस स्टडी लेकर आया हूँ। जेलनमार्क एक कंपनी है जो दवाइयाँ बनाती है। इसका एक ट्रेडमार्क है जीटामेड, जो कि रजिस्टर्ड है क्लास 5 में फॉर्म 2013। अब हुआ कि इसको मार्केट में मालूम पड़ा कि सामने वाली कंपनी आई है जो जियामेट करके बना रही है। इसका है जीटामेट, ZITAMET, और सामने वाले का था जियामेट, XIZAMET। अब इसके अंदर क्या हुआ, उन्होंने लीगल नोटिस भेजे कि भैया आप हमारा ट्रेडमार्क कैसे यूज़ कर रहे हो, कैसे यूज़ कर सकते हो, बहुत सिमिलर है बोलने में और दिखने में, इससे कस्टमर कंफ्यूज हो रहा है। अब सामने वाले पर्सन है, डिफेंडेंट ने क्या करा इस केस के अंदर, उन्होंने कोर्ट के अंदर सेक्शन 142 के अंदर पिटीशन फाइल कर दी और कहा कि सामने वाला हमें ना अननेसेसरी लीगल नोटिस दे रहा है, अपोजिशन फाइल कर रहा है, हमें काम में दिक्कत आ रही है। अब सेक्शन 142 क्या करता है, अगर कोई आपको अननेसेसरी लीगल नोटिस देता है, ग्राउंडलेस थ्रेट देता है इन ट्रेडमार्क्स, तो आप कोर्ट से स्टे ले सकते हो कि ये बंदा आपको परेशान ना करे। अब पेनल्टी ने क्या करा था, ऑलरेडी 17 अगस्त 2020 को एक अपोजिशन रेज करा था ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में डिफेंडेंट के खिलाफ फॉर दियर जियामेट ट्रेडमार्क, ताकि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ना हो पाए। और जो जियामेट था वो ध्यान रखना परपोज टू बी यूज के बेसिस पे फाइल हुआ हुआ था, कोई भी डिफेंडेंट एविडेंस नहीं दी थी कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं या यूज़ करेंगे। अब प्लेंटिफ के खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर पास हुआ था श्रीनगर के अंदर कि भैया प्लेंटिफ अपियर हुए नहीं, और एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो गया, और उसके बाद जैसे ही उनको संबंध मिलता है, सब कुछ पता चलता है, तुरंत प्लेंटिफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच जाता है कि भैया हमें तो कोई संबंध नहीं मिला, हमें कुछ पता नहीं, हमारे खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया गया, जो कि टोटली गलत है। और पूरा केस डिस्कस होता है बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर। कोर्ट में वेरियस आर्ग्यूमेंट्स हुए दोनों पार्टीज के बीच में, उन्होंने अपने अपने दलीलें रखी कोर्ट के अंदर। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑलरेडी ऑर्डर है क्लास 5 की, जो ट्रेडमार्क है ना मेडिसिन वाले, आप सारी क्लासेस एक्साइट कर दो, क्लास 5 एक्साइट, क्यों, मेडिसिन का काम कॉम्प्लिकेटेड होता है, एक इंसान की जान जा सकती है, ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड काम है, तो इस काम को कोर्ट को बहुत ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है, स्पेशल प्रायोरिटीज के ऊपर डील करना है, चाहे वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री या कोर्ट है। फिर इसके बाद कोर्ट में आर्ग्यूमेंट चले, डिफेंडेंट का लॉयर आया, उसने कहा कि भैया ये तो मल्टीसिपलिटी ऑफ सूट हो गया, क्योंकि श्रीनगर में ऑलरेडी इनका केस चल रहा है पेंडिंग है, या इन्होंने अगेन एक सूट फाइल कर दिया। तो पहला पॉइंट उनका ये था कि भैया दो ज्यूरिडिक्शन में अलग अलग जगह सेम केस कैसे चल सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि भैया ये जो कोर्ट है ना, ज्यूरिडिक्शन को लैक करता है, क्योंकि मेरा क्लाइंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है श्रीनगर में, बनावा रहा है, बेचवा रहा है, हेड ऑफिस से भी यहाँ पे, बाकी सारा काम वहाँ पे हो रहा है, तो ज्यूरिडिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट का बना कैसे इसके अंदर, एक चीज़ उन्होंने ये फिर डिस्कस करी। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे है ना मार्केट के अंदर ब्रांड नेम है, जैसे सीतामेट, SITAMET, अब उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वहाँ पे है ना प्लेंटिफ को दिक्कत है ना किसी को दिक्कत है, मार्केट में बहुत सारे मैट के नाम से मेडिसिन इस समय बिक्री, जहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली कोर्ट ने पूरे मैटर को समझा और देखा और कहा कि देखो मेडिसिन का जो काम होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसी चक्कर में प्लेंटिफ को यहाँ पे इंजंक्शन मिल गया कोर्ट से, नहीं तो नहीं मिलता। अगर मेडिसिन का काम नहीं होता ना, और उसके पास डायरेक्ट ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होता, तो नहीं मिलता। मेडिसिन के चक्कर में कंज्यूमर की लाइफ हार्म ना हो, इसी चक्कर में कोर्ट ने प्लेंटिफ को इंजंक्शन ग्रांट कर दिया इस केस के अंदर। और कोर्ट ने कहा कि ड्रग का जो काम, मतलब ड्रग मतलब मेडिसिन का जो काम होता है ना, कॉम्प्लिकेट काम होता है, कस्टमर, मेडिकल स्टोर वाला, डॉक्टर इजिली कंफ्यूज हो सकता है, इसी चक्कर में हम लोग इस समय प्लेंटिफ को इंजेक्शन दे रहे हैं और डिफेंडेंट को रोक रहे हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसिंग ऑफ जियामेट। सो फ्रेंड्स, वैसे तो इस केस के अंदर सामने वाले के पास डायरेक्ट ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं था, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन बोलने में सिमिलर आ रहा था, इसी चक्कर में कोर्ट ने इंजंक्शन दिया, और सबसे बड़ी बात क्लास 5 का ट्रेडमार्क था। तो अगर आप में से कोई भी फार्मास्यूटिकल का काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप क्लास 5 में जा रहे हो ना, तो अच्छे से ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट को बनाओ, टर्म्स को चेक करो, एक टीम को बिठाओ, जिससे लेटर ऑन आपको फ्यूचर में उस ब्रांड नेम को डिसकंटिन्यू ना करना पड़े, फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना। क्योंकि मैंने देखा क्लास 5 के अंदर बहुत सारे मेडिसिन के नाम हल्का सा भी मिलता जुलता होता है ना, रजिस्ट्री रिफ्यूज़ कर देती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर आपके कोई डाउट है, क्वेश्चन है इस वीडियो के रिगार्डिंग या ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग, कॉमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।